अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप सब ठीक ठाक होंगे और वीकेंड इंजॉय किया होगा जिस तरह मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगता है जब आपके घर में लोग होते हैं, आते हैं और आप उनकी खातिर करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल और उम्मीद है आप लोगों ने भी खूब नया नया ट्राई किया होगा, कुछ नया बनाया होगा। आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों की सौगात बहुत सारी हैं जो मैंने सिखाई हैं, मीठे में नहीं नमकीन में भी। मैंने आप लोगों को हरा लहसुन सिखाया है और हरा लहसुन के लड्डू आप बनाएं, या खाली अगर लड्डू नहीं बनते तो हरा लहसुन बाजरे के साथ, वो होता है हमारी जो ख़ास स्पेशलिटी है, वो बनाएँ बैंगन के भुट्टे के साथ। और हमारी जो स्पेशल, मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट और स्पेशलिटी है मुठिए, हम लोग उसको मछली मुठिए बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उसको ढोकरे भी कहते हैं। पर ढोकरे वो वाले नहीं हैं जो सूजी से और उससे बनते हैं, बाजरी के आटे से और चावल के आटे को मिक्स करके मैंने सिखाए हैं अपने शो पे दो दफ़ा। तो आपको अगर बनाना है तो आप रेसिपी निकाल लीजिए, उसमें मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखें अगर मेरी ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तो आई नेक्स्ट ईयर सिखाऊंगी, अभी तो हिम्मत नहीं है बिकॉज़ कल मैंने इतने सारे बनाए थे कि मैं बिल्कुल थक के चूर हो गई हूँ। एनीवेज तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे फिर, वरना अगर आपको अगर अभी बनाना है तो मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे जाइए, वहाँ से आप जाके लिखिए, या यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे भी आप जाके लिखें मुठिए बाजरी के मुठिए बाय श्री ननवर, वो रेसिपी खुल जाती है। ठीक है, ओके जी, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं दिल्ली की अंडे और सब्जियों की बिरयानी, अगेन वेरी नाइस, बहुत मज़े की बनती है बॉयल अंडे और सब्जियों के साथ। और हम बना रहे हैं तंदूरी बूटी शाशलिक, इसके लिए अंडरकट होना लाजमी है। लेकिन अगर मसला है, नहीं मिल रहा है अंडरकट या कोई इशू है तो ठीक है, फिर आप बीफ ले लीजिए बूटियाँ, लेकिन उसको आपको लाजमी पपीता लगाना पड़ेगा, मस्ट, ठीक है, बिकॉज़ वो गलेगा नहीं। और तीसरी आज की हमारी रेसिपी है ओरिएंटल चिकन सैलड, ठीक है, ये हमारी तीसरी रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो हम तंदूरी बूटी शाशले को हम मैरिनेट कर देते हैं, ठीक है, और उसके लिए हमें अंडरकट चाहिए, मेरे पास अंडरकट ही है। और अंडरकट के साथ हम उसमें वही जो होता है उसकी वेजीज, कैप्सिकम, टमेटोज और अनियंस, ठीक है, ओके। यहाँ पे मेरे पास अंडरकट है, ये देखिए अंडरकट के आपने दो दो इंच के क्यूब्स काटने हैं, ठीक है। अब आपको वेजीज को भी क्यूब्स काट लिए बीन्स निकाल के। अब मैरिनेट बूटीज विद ऑल द गिवन इंग्रेडिएंट्स फॉर 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 घंटे, लेकिन नेचुरली मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं फ़ौरन करूँगी। कच्चा पपीता इस पर भी लगाऊँगी मैं, पानी निकाल लेते हैं। एक किलो अंडरकट, कच्चा पपीता 1 टेबलस्पून, छिलके के साथ। इसमें आप पक्का पपीता भी यूज़ कर सकते हैं बट वो छिलके के बगैर होगा। अच्छा, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का 1 टेबलस्पून, दो लाल मिर्चें आप ले लीजिए और उसको आपको पीस के डालना है इसमें, ठीक है, रेड चिली पेस्ट 2 टेबलस्पून, ओके। फिर हम इसमें डालेंगे नमक, ये चिकन शाशलिक से बहुत डिफरेंट है, 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून,
ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सिरका या लेमन जूस, जो आपके पास ईज़ली अवेलेबल है वो आप डालेंगे, 2 टेबलस्पून। ओके, हंग कर्ड दही को हैंग करके आपको डालना है 3/4 कप। ये मैंने लिया था 1.5 पाव दही, और उसमें से जितना भी इसका कर्ड चीज़ निकला है वो आप डाल दें। देखिए कितनी अच्छी क्रीमी निकली है, ठीक है। अच्छा, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, और हम इसमें डालेंगे ऑयल 1/4 कप, अच्छा ब्लैक पेपर भी है इसमें, इटालिया का ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ जल्दी से। मैंने इसमें अंडा कट लिया है 1 किलो, जिसकी मैंने 2-2 इंच की बोटियाँ बना ली, ठीक है। मैरिनेट किया करना है आपको इसमें 1 टेबलस्पून कच्चा पपीता छिलके के साथ, या 1 टेबलस्पून पक्का पपीता छिलके के बगैर पीस के वो डाल दिया। इटालिया का 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। उसके बाद आपने, मैंने 1 बड़ी कश्मीरी मिर्च ली थी, उसको भिगो के उसको पीस लिया, वो मैंने इसमें शामिल कर दी 1 टेबलस्पून भर के, या 2 टेबलस्पून लेवल्ड। सॉल्ट 1.5 टीस्पून लेवल्ड, गरम मसाला 1 टीस्पून, सिरका या लेमन जूस कोई भी एक चीज़ जाएगी 2 टेबलस्पून, ऑयल गया है इटालिया का पॉमेस 1/4 कप, हंग कर्ड यानी कि 3/4 कप। आप 1.5 कप दही लेंगे, उसको 2-3 घंटे के लिए हैंग कर लीजिएगा, पानी सारा निथर जाएगा, जो अंदर की चीज़ बचेगी वो आपको डालना है हंग कर्ड, ठीक है। वो चली गई, कसूरी मेथी 1 टीस्पून क्रश चली गई, ये हो गया हमारा। और इसमें हमें इटालिया का, सॉरी लूर पाक का हम मक्खन भी डालेंगे मेल्ट करके। बहुत डिफरेंट है ये चिकन शाशलिक से। ठीक है जी, ये मैरिनेट हो रहा है। जब तक आप लोग ब्रेक पे जाएंगे, मैं यहाँ पे दूर पाक का मक्खन ले रही हूँ, अनसॉल्टेड वाला, ठीक है। 1 टेबलस्पून जितना, या 2 टेबलस्पून ले रही हूँ, 2 आउंस मक्खन लेके आपके सामने मैं फ्राई पैन में डाल रही हूँ, और आप लोग बढ़िए ब्रेक की तरफ, कहीं नहीं जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। हम आ गए हैं अपनी अंडे और सब्जियों की बिरयानी पे। इस तरह से आपको टिक्का शाशले को लगाना है, और आप चाहें तो इसको अवन में कर लीजिए। मैंने मेल्टेड बटर भी इसमें मिला दिया था, लूर पाक का अनसॉल्टेड। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको अवन में बेक कर लें, मैं इसको ग्रिल पैन में करूँगी। अवन में करने से बेहतरीन हो जाएगा, आपको कोई हैसल नहीं होता, सामने खड़ा नहीं होना पड़ता। लेकिन होता क्या है उसमें, अवन में बेक करने से सब्ज़ियाँ थोड़ी मुरझा जाती हैं, और उसका कलर थोड़ा सा डिसकलर हो जाता है, मुझे मज़ा नहीं आता, फ्रेशनेस नहीं रहती है। आपको बता दिया है, आगे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और फिर कोयले का धुआँ, कोयला रखा हुआ है, कोयले का धुआँ देंगे हम इसको, राइट। ओके, सब में पहले हम लेंगे अपनी बिरयानी के लिए ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 1/2 कप, और इसमें हम डालेंगे प्याज, अच्छी खासी है, 2 बड़ी प्याज ली थी मैंने, दैट्स अबाउट 1.5 कप, 1/2 कप ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल,
डेढ़ कप चॉप्ड प्याज, अस्सलामु अलैकुम, हेलो, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहिए, अपा वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीक ऑन साला मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया बेटा, अपा कहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस दफा भी रेसिपी कार्ड देखा था तो हमेशा की तरह पर रेसिपीज बहुत जबरदस्त इस वीक की भी, बस साथ दीजिए मेरा जी, अपा हमेशा आपके साथ हैं और अल्लाह ताला आपको सलामत भी रखे और हम आप सेहत के साथ हमारे साथ रहें। आप आ रहे हैं इस्लामाबाद क्लास करने? जी आप जरूर क्लास करने, तो शायद मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन मिलने तो मैं आपसे जरूर आऊंगा, हाँ, बहुत अच्छा हो गया, दो साल हो गया, मुलाकात नहीं हो पाई ना, सही बात, नहीं बेटा अच्छा, आप नहीं आना इतना दूर, मैं आऊंगी ना इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास हमारी लाहौर में है तो इंशाल्लाह से नेक्स्ट मंथ मुलाकात करेंगे लाहौर में। दो क्वेश्चन पूछने इस हवाले से, जो अभी आपने शैक्षणिक बोटी जो बनाई है जी, बोलिए आप, एक तो यह की इसमें जो आपने पपीता जो है वो कच्चा पपीता डाला, पक्का पपीता भी डाल सकते हैं, लेकिन आप आजकल सिर्फ सीजन है तो आजकल मिल रहा है लाहौर में, लेकिन आप बाकी पूरा साल जो है ये अवेलेबल नहीं होता, फ्रीज करें, सात आठ माह बिल्कुल नहीं मिलता, फ्रीज करें, नहीं नहीं आप वो फ्रीज नहीं कर भी कर लेते तो आप उसे फंगस आ जाती, मैंने एक दफा फ्रीज किया था तो मेरे से ये प्रॉब्लम हो गई थी, नहीं तो आप मुझे बोले बोले आपा मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, यहाँ पे हमारे यहाँ लाहौर में पपीते का जो है वो आपा पाउडर मिलता है, तो उसको हम किस तरह यूज करेंगे, किस तरह क्वांटिटी में यूज करें? ठीक है, वो मीट टेंडराइजर पाउडर होता है, आप बिल्कुल कर लें उसको, अगर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून हीप डाला है तो आप 1 टीस्पून डालेंगे, आधा डालेंगे, मतलब जब भी आप मतलब किसी भी रेसिपी में उसे हाफ क्वांटिटी में डालें, जी हाफ क्वांटिटी में डालें और थोड़ा टाइम मैरिनेशन को ज्यादा दे दें, जी बेहतर। अच्छा आपका दूसरा क्वेश्चन ये पूछना था, अभी आपने जो ये जो कश्मीरी मिर्च जो आपने यूज किया है इसको पीस के जी, आप इसको अब बात तो ये होता है कि मैंने रेसिपी जल्द बनानी होती है आपको पता होता है, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं होता, तो ऑफिस भी है साथ, तो आप इसकी जगह सांभर उली यूज कर सकते हैं हम? यस 100% और आप उतनी क्वांटिटी में? जी उसी क्वांटिटी में भर के, जी ठीक है। अच्छा आपा और मुझे, मैंने आपका ढाका स्टाइल चिकन बनाया था, आपा मैं सब देखने वाले सुनने वालों को कहूंगा कि वो इसको चिकन रोस्ट को जरूर बनाए ढाका स्टाइल, इट वाज जस्ट डिवाइन आपा, चले थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, जीते रहिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा देखें इस प्याज को हमको थोड़ा सा खूबसूरत सा गोल्डन करना है, थोड़ा सा, ठीक है ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा, फिर मैं इसमें इटालिया का डालूँगी गार्लिक पेस्ट, जिंजर इसमें लंबाई में कटा हुआ जाएगा, जिंजर पेस्ट नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपको मेहनत लग रही है लंबाई में काटने और आप सोच रहे चलो छोड़ो अदरक लहसुन ही डाल दो, तो अदरक लहसुन डाल दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैं गार्लिक डाल रही हूँ, अच्छा जी गार्लिक, ओ माशाल्लाह प्याज हो गई है मेरी, अच्छा गार्लिक मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून हीट, इटालिया का गार्लिक पेस्ट और इसमें साथ में थोड़ा सा पानी ताकि प्याज ज़्यादा लाल ना हो जाए, बहुत प्यारा कलर आ गया है प्याज का, और इसमें जाएगा जिंजर जूलियन फ्रेश या काफी, ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे चॉपर राइस टोमेटोज, ये रखे हुए मेरे पास चॉपर किए हुए टमाटर 2, अब मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी, मसालों में मुझे इसमें शामिल करना है लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, साबुत गरम मसाला में जा रहा है 4 छोटी इलायची,
चार छोटी इलायची चली गई। फिर मैं इसमें डालूंगी चार लौंग चली गई, सिनेमन का एक इंच का टुकड़ा चला गया, ठीक है, और तेज़पत्ता। ये डाल दिया हमने। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, नमक 1 टेबलस्पून लेवल्ड, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, चिली पाउडर 1.5 से 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं। हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, और नमक 1 टेबलस्पून लेवल्ड। दूध चाहिए मुझे इसके लिए, ऊपर दम पे रखने के लिए 1/3 कप दूध को, ज़ाफ़रान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम इसमें डाल रहे हैं आलू 2 से 3, गाजर क्यूब्स में काट के, मेरे पास मटर उबले हुए हैं, ठीक है, तो ये मैं अभी नहीं डालूंगी, ये मैं बाद में डालूंगी। गाजर और आलू हमने डाल दिए, अब आप इसमें पानी से डाल के इसको कवर करके छोड़ दीजिए गलने के लिए। जब ये हमारा तकरीबन आलू और गाजर गलने पे आएंगे तो हम इसमें मटर डालेंगे, साबुत हरी मिर्चें डालेंगे, अंडे डालेंगे और ऊपर चावल डालेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप आज कैसी हैं जानू, क्या हाल चाल है? जी बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने आपको सलामत रखे। आप मंडे को नहीं आई थी? मंडे तो फ्राइडे को बेटा, वो मैंने अपना बूस्टर शॉट लगवाया था फाइजर का। अच्छा अच्छा, सही, तो उससे जरा मुझे बुखार और थोड़ा सा पेन बहुत था, इस वजह से। आप अल्लाह में आपको सलामत रखे, कभी भी कुछ ना हो, इलाही इंशाल्लाह, आमीन। आपा, फिर आपने जो फ्राइडे को जो आपने आपको जो मेन्यू था वो आप आगे कहीं एडजस्ट करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल करूंगी। अच्छा अच्छा, आप, मुझे थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि वो स्किप ना हो जाए जो। नहीं नहीं, स्किप नहीं होगा, वो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन सब्र से आपको रहना पड़ेगा। अब जो आजकल मैं रेसिपी टाइप करवा रही हूँ वो अप्रैल की है, वो रेसिपी मैंने अप्रैल में डाली है। ठीक है आपा, थैंक यू। लेकिन आपकी आज की जो फर्स्ट रेसिपी थी ना, वो मुझसे मिस हो गई, वो मैं शाम को देखूंगी, मैं कपड़े धो रही थी। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है बेटा। अच्छा चलें, ब्रेक आ चुकी है, तो मिलते हैं आपसे हम ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हमने ये अपनी सब्ज़ी की और अंडों की बिरयानी के लिए
गाजर और आलू डाल दिए थे, ठीक है, गलने के लिए। जब ये तकरीबन गलने पे आएंगे तो मैं इसमें मटर शामिल कर दूंगी। हरी मिर्चें लंबाई में काट के डालनी है, काट के डाल दें या साबुत डाल दीजिए, आपकी मर्जी है। और ज़ाफ़रान मैंने दूध में डाल के भिगो लिया है, और फिर हम इसके ऊपर चावल डालेंगे, ऊपर से हम ज़ाफ़रान डालेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे, एंड दैट्स इट, उसको दम पे छोड़ देंगे, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, आएंगे हम तंदूरी बोटी शाश लेक को। रिकैप कर रही हूँ, हमने लिया है अंडर कट 1 किलो, उसके 2-2 इंच के क्यूब्स कटवा लिए। अब मुझे अंदाज़ा है कि अंडर कट थोड़ा मुश्किल से मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको अंडर कट नहीं मिल रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप बीफ ले लो, बीफ की बोटियाँ कटवा लो। और मैंने अंडर कट पे 1 टेबलस्पून कच्चा पपीता या 1 टेबलस्पून पक्का पपीता छिलके के बग़ैर, पक्का पपीता याद रखिएगा हमेशा छिलके के बग़ैर मैरिनेशन में डलता है, और कच्चा पपीता छिलके के साथ डलता है। बहरहाल आपने उसमें कच्चा पपीता डाला, लेकिन अगर आप बीफ की बोटियों से बना रहे हो तो आप कच्चा पपीता 1 टेबलस्पून नहीं डालोगे, आप 2 टेबलस्पून डालोगे, ठीक है। वो हमने डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का, मैंने शामिल किया 1 टेबलस्पून भर के। लाल मिर्चें कश्मीरी वाली लेके आप उसको पीस लीजिए, थोड़ी देर भिगाइए गर्म पानी में, उसका डंठी निकाल के झटक लें ताकि उसका बींज ना आए, ठीक है। फिर आप उसको पीस लीजिए अच्छी तरह, वो आपको डालना है 2 टेबलस्पून। फिर नमक जाएगा 1.5 टीस्पून लेवल्ड, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, सिरका या लेमन जूस 2 टेबलस्पून, जो भी आपके पास ईजली अवेलेबल है, मैंने लेमन जूस डाला था। ऑयल क्वार्टर कप, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, हंग कर्ड मैंने 1.5 कप दही ली थी और उसको 2 घंटे के लिए टांग दिया था, पानी पूरा निकल गया, दही अच्छी बहुत अच्छा गाढ़ी गाढ़ी रह गई थी अंदर कर्ड चीज़, वो डाल दी। उसके बाद मैंने कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच पिसी हुई, और लूर पार्क का मक्खन मेल्ट करके 2 औंस, वो मैंने शामिल कर दिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कोयला जला रही हूँ, और हम बहुत थोड़ा सा तेल लेंगे। अच्छा, ये रेसिपी बेक होती है अवन में, कर लें आप, लेकिन मुझे आसानी तो बेक करने में है, लेकिन मसला ये होता है कि सब्ज़ियों का कलर ख़राब हो जाता है, वो थोड़ी सी सॉफ्ट मुरझा जाती हैं, सॉफ्ट पड़ जाती हैं। तो आई प्रिफर फ्राइंग इन वेरी लिटल ऑयल, बहुत थोड़ा सा तेल लिया है, 3 से 4 टेबलस्पून तेल लेके, और आप ये देखो, और आप देखो कितनी सारी माशाल्लाह ये बन गई हैं 1 किलो अंडर कट में। जब ये हो जाएंगी तो ज़ाहरी बात है इस पर पपीता लगा हुआ है, सेकेंडली ये अंडर कट है, तो इंशाल्लाह विद इन 10 मिनट्स हो जाएंगी। ये चिकन शाश लेक से बहुत मुख्तलिफ है। मटर 1 कप भर के, हरी मिर्चें 3 से 4 मोटी साबत या लंबाई में काट के आधी करके डाल दें, थोड़ा सा पानी में डाल रही हूँ,
अब हमारी जो आज की थर्ड रेसिपी है वो है ओरिएंटल चिकन सैलेड। ठीक है, अच्छा अंडा कट लेने का तरीका एक बात याद रखिएगा, आप जब भी अंडा कट गोश्त वाले से ख़रीदें ना, जो हमारी मीट की शॉप्स हैं, मतलब फ्रोज़न मीट की शॉप्स हैं, जैसा मैं नाम नहीं ले सकती, बहुत सारी खुल गई हैं अब जमजमा पे, बहादराबाद पे, हर जगह, तो उनके पास तो अंडा कट आपको हर वक्त मिलता है एंड दे विल नेवर चीट यू, वो लिखा हुआ वहाँ होता है अंडा कट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने गोश्त वाले से अंडा कट लें तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि अंडा कट आपको हमेशा शाम के वक्त मिलता है, अगर जेन्युइन अंडा कट चाहिए तो वो शाम के वक्त आपको देते हैं, इसलिए कि उसी वक्त ताज़ा ताज़ा गोश्त आता है, उसी वक्त अंडा कट निकाला जाता है उसमें से और फिर आपको वो दे देते हैं। अगर आप सुबह जाएं उनसे अंडा कट लेने तो वो आपको झूठ बोलेंगे कि ये अंडा कट है, वो अंडा कट नहीं है, ठीक है। ये और बात है कि आपका पुराना गोश्त वाला है, आपने शाम में उसको कॉल करके आपके लिए ऑर्डर लिखवा दिया कि मैं कल सुबह आऊँगी लेने, दैट्स डिफरेंट, वो तो फिर आपको देगा, लेकिन अंडा कट कभी भी आपको सुबह नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा, हमेशा अंडा कट, जेन्युइन अंडा कट शाम में मिलता है, ठीक है। बस अच्छा जी, आप लोग बढ़ी है ब्रेक की तरफ, मैं इसको यहाँ आराम आराम से फ्राई कर रही हूँ, इसको अंडा कट को फ्राई करने में 10 से 12 मिनट लगता है ताकि ये वेल डन हो जाए, ये आराम से यहाँ फ्राई हो रहा है। मैं एक काम करूँगी, ब्रेक में अपना कोयला उठा के उधर रख रही हूँ और इसको मैं इधर रख रही हूँ, ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक, इतना उड़ता है ये, आई हेट मेसी किचन्स एंड काउंटर्स ऑफ। ठीक है, ये तो देखें हमारा एक लॉट तो फूट गया है, माशाल्लाह कितना जबरदस्त। वाओ, अगर मैं इसको ओवन में रखती रख तो सकती थी, लेकिन इससे ज्यादा सब्जियां वो हो जाती, मुरझा जाती, तो वो प्रेजेंटिंग, आपका प्रेजेंटेशन है वो बड़ा मरा मरा लगता, मुरझाया हुआ लगता। अच्छा, अब मैं आ रही हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो के है बिरयानी का स्टेप, उसमें हम चावल डाल देते हैं, ये हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें तेज पत्ता जो डाला था वो आप निकाल के डिस्कार्ड कर दो, राइस
हाफ के जी बॉइल्ड विथ सॉल्ट, आधा किलो में मैं 2 टेबलस्पून भर के नमक डालती हूँ। थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा, 2-3 टेबलस्पून, ज़ाफ़रान वाला दूध, कोई कलर नहीं जाएगा इस पर, बस जितना इसमें आ गया ज़ाफ़रान में आ गया। अंडे अंदर अगर डालूंगी तो निकालने में फिर वो टूट सकते हैं ना। अबाउट 2-3 टेबलस्पून ऑफ घी, चलेंगी। अब इसको आप दम पे छोड़ दीजिए फॉर 10 से 15 मिनट, हल्की कर दें आँच, हल्की पे ये, ठीक है। चलें अब ये भी हो गया, इसको मैं उसमें निकाल के और साइड में कोयला रखूँगी और कवर कर दूँगी फॉइल से, तो वो ब्रेक आन, ठीक है ले लो बेटा, ठीक है मैं ब्रेक में कोयले का धुआं दे दूंगी, कोयला बंद कर दिया है, जल चुका है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टिक्का शाश्रिक हमने टेबल पे पहुंचा दिए और हमारी इस पे भी बेहतरीन दम आ रहा है, आ चुका है दम, ठीक है इस पे दम आ चुका है। इसका भी चूल्हा मैं बंद करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि नीचे ज़रा सा भी लग जाए। ओके ये भी हो गया हमारा। अब हम आ रहे हैं आज का बहुत ही मज़े का सैलड, ओरिएंटल चिकन सैलड। इसके 3 स्टेप्स हैं, घबराइएगा नहीं, कोई ऐसा मुश्किल वाला स्टेप नहीं है। पहला स्टेप यह है कि आपको चिकन बोनलेस करनी है, आपकी मर्ज़ी आप क्यूब में कर लें, आपकी मर्ज़ी आप लेंथ जूलियन में कर लीजिए। उसको हम मैरिनेट करेंगे, पहला स्टेप हो गया, और हम उसको ग्रिल कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे ज़रा से 1 टेबलस्पून ऑयल में टॉस कर देंगे। दूसरा स्टेप इसकी ड्रेसिंग बनेगी, ठीक है। और तीसरा स्टेप हर चीज़ साथ डाल के उसको मिक्स करना है, सैलड बनाना है, दैट्स इट। तो बहुत मज़े का बनता है, और इसमें पड़ती हैं राइस नूडल्स, ठीक है। इसके लिए आपको राइस वर्मिसली नूडल्स लेनी है, ये देखें बारीक वाली, जो कि आप पानी में भिगो दीजिए, ठीक है। ओके अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले चिकन को मैरिनेट करती हूँ ताकि हम उसको जल्दी से ग्रिल कर लेंगे। अब मैंने एक मुर्गी का सीना लिया है 250 से 300 ग्राम, और उसको मुझे मैरिनेट करना है इटालिया का गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ऑयस्टर सॉस 2 टेबलस्पून, ठीक है 2 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस चली गई, ब्लैक पेपर इटालिया का 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डालेंगे और हम इसको कुक कर लेंगे, ठीक है। मैं बड़ी है कढ़ाई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसमें करती हूँ, वरना फ्राई पैन में करने से होगा क्या,
ये सब उड़ेगा पूरा, फिर काउंटर गंदा हो जाएगा। वन टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। तीन किस्म के ऑलिव ऑयल हैं इटालिया के पास, पामेस, एक्स्ट्रा लाइट एंड एक्स्ट्रा वर्जिन। पामेस ऑलिव ऑयल इज़ यूज इन एवरी थिंग, इन फॉर योर कुकिंग, फॉर योर शैलो फ्राइंग, फॉर योर डीप फ्राइंग, फॉर योर बेकिंग, फॉर योर तड़काज, फॉर एनी थिंग, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइट जो है आपका, वो आप हल्का हल्का ग्रिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको जल्दी से सॉटे करनी है, वेजीज में डालना है, उस इन चीज़ों के लिए बहुत थोड़ा सा जहाँ पड़ता है वो आप कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा वर्जन है दैट्स यूज फॉर सैलड ड्रेसिंग्स, हुमस के ऊपर डालने के लिए आपको काम आता है। प्लस आप उसको निहार मुँह पी सकते हैं, फॉर इट्स वेरी गुड फॉर पेशेंट्स हु हैज डायबिटीज़। आपकी शुगर को लेवल को बहुत नीचा लाता है, रात में पी के सो जाएं, उसके ऊपर कुछ भी ना पिएं। सुबह फिर आप उठेंगे जब नमाज पे, उस वक्त आप पी लीजिए वज़ू करने के बाद, और सुबह फिर 8 बजे तक कुछ ना खाएं, परफेक्ट। फिर आप देखिएगा 1 महीना करके आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत अच्छा शो करती हैं आप। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। और बहुत सारी चीजें मैंने आपसे सीखी हैं। एक छोटी सी बस आपसे रिक्वेस्ट है। बोलिए। मुझे आजकल सर्दियां हैं, तो एक तो हॉट एंड सार सूप मुझे बनाना बताइए, और दूसरे ये चिक्की होती है ना मुख्तलिफ चीजों की, हम बनाते हैं तिल की या मूंगफली की, वो बनाना बता दीजिए। ठीक है, डन। और गुड़ की मैम बताइएगा, गुड़ की किस क्या रेशो है, क्या इस तरह का, वो मुझे आप, मैं बहुत आसानी से आप बताती हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आता है। अच्छा जी बेटा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दे और आपका साया हम पे रखे हमेशा। जिस तरीके से जैसे माएं समझाती हैं अपनी बेटियों को, इस तरीके से आप समझाती हैं। बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बतों का, जीते रहिए, खुश रहिए, कोशिश करती हूं आपकी। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके बेटा, हॉट एंड सार तो दिया हुआ है, तो सुमैरा सलमान की फरमाइश पे अब कब आएगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन दिया हुआ है, सर्दियों में ही आएगा इतना तो मुझे पता है। दिसंबर तो आ गया है, दिसंबर में ही आएगा या जनवरी में आ जाएगा इंशाल्लाह। और चिक्की की भी इंशाल्लाह करते। अस्सलामु अलैकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दीदी आपका क्या हाल है आपका, आप ठीक हैं, खैरियत है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। श्री आपा मुझे बहुत ही प्यारी, बहुत ही सोहनी लगती हैं आपकी, तो क्या बात है। और बहुत कुछ सीखा आपसे, इतना कुछ सीखा है कि जिंदगी चेंज हो गई है, और आपको पता नहीं है कि कितनी दुआएं मेरे दिल से निकलती हैं आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अंदाजा है बेटा, मैं जितनी तकलीफों से, परेशानियों से, बीमारियों से अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ जाती हूँ ना, वो सिर्फ मेरे आप लोगों के जैसे चाहने वालों की दुआएं हैं मेरे सर पे। माँ बाप की तो हैं ही हैं, बहन भाइयों की हैं ही हैं, लेकिन आप जैसे चाहने वालों की, जो आप लोग दिल की गहराइयों से मेरे लिए दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला मुझे हर चीज़ से अपने उसमें ले लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का रब का इतना करम है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, और जिससे पैर होवे उससे खैर होवे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपके बच्चों को खुश रखे, आबाद रखे, आपकी बेटियों को सलामत रखे। आमीन आमीन। मेरे भाऊ को भी बोला करें, इतनी दुआएं निकलती हैं कि मैं आपको बता नहीं। किसको? सुमैरा, आपकी बेटी सुमैरा है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी बहू के लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह उसको भी हमेशा, और अल्लाह करे आपको सारी दुआएं लग जाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, जीते रहिए आप सब मेरे चाहने वाले, खुश रहिए, आबाद रहिए। अच्छा ये देखें, ये चिकन हो गई है, ठीक है। अब मैं इस चिकन को एक तरफ कर रही हूँ ठंडी होने के लिए, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ही चिकन ठंडी होगी, ब्रेक आ चुकी है, आप ब्रेक से आइए, मैं पहले बनाऊँगी इसकी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग बनाऊँगी और फिर मैं सारी चीज़ें उस ड्रेसिंग के साथ मिक्स करूँगी चिकन के साथ। तो मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स, ओनली ऑन मसाला टी।
वेलकम बैक। ठीक है, ये देखें ओरिएंटल चिकन सैलेड की हमारी चिकन हो गई है। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ इसकी ड्रेसिंग पे। हमें चाहिए एक चाय का चम्मच भर के कद्दूकश कीवी अदरक, गार्लिक फाइनली चॉप्ड 1 टीस्पून। ये ड्रेसिंग बन रही है। ठीक है, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, ब्राउन शुगर 1 टेबलस्पून, विनेगर 1 टेबलस्पून और फ्रेश बाज़ार में जो ताज़ी लाल मिर्चें मिलती हैं चॉप्ड, वो आपको चाहिए। एक लाल मिर्चों को चॉप करके डाल दीजिए। आपके घर में डब्बा जो होता है हरी मिर्चे का, उसमें भी लाल पड़ी भी होती हैं, हरी मिर्ची पड़े पड़े लाल हो जाती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको इसमें डालनी है सोया सॉस 1 टेबलस्पून। ये हो गई हमारी ड्रेसिंग। ब्राउन शुगर के बजाय यू कैन ऐड हनी, इटालिया का हनी 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। ये हो गई हमारी ड्रेसिंग। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे नूडल्स, सोक्ड नूडल्स। कैबेज बॉइल्ड, गलती से लिखा है बॉइल्ड कैबेज नहीं है, कच्चा कैबेज है। प्लीज 1 कप। उसके बाद हम इसमें 1 गाजर डालेंगे लंबाई में कटा हुआ जूलियन, 1 खीरा जूलियन विथ स्किन, 1 बेल पेपर, 1 बहुत बढ़िया है ये। ठीक है, 1 लाल शिमला मिर्च चली गई, बेल पेपर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, उसके बाद हम इसमें डालेंगे सेम की फली 2-3 लेके उसको आप बॉईल करके डाल दीजिए। सिर्फ 1 चीज़ बॉईल है, इसको आप अच्छी तरह से टॉस करेंगे। ड्रेसिंग में, आपकी ड्रेसिंग में चिकन डाल दीजिए। और आपको मूंगफली चाहिए रोस्टेड या फ्राइड, मेरे पास कच्ची थी, रोस्टेड नहीं थी, मैंने सुबह इसको डीप फ्राई कर दिया है कढ़ाई में और थोड़ा सा नमक छिड़क दिया है। सॉल्टेड चाहिए। बहुत मज़े का होता है ये सैलड। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा हमारे बोल को गार्निश कर लेते हैं सलाद के पत्ते के साथ और इस तरह से। ठीक है, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ,
मैं इसमें सैलेड निकाल लेती हूँ और मिलते हैं हम आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज का रिकैप देख लिया होगा। अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आज शाम में शो रिपीट होता है 6:30 बजे, रात में 2 बजे और फिर कल सुबह 7:30 बजे। तो आप जो टाइम आपको सूट करता है आप रिपीट भी देख सकते हो। और इंशाल्लाह 2 घंटे के अंदर ही मेरी लाइन प्रोड्यूसर रेसिपीज़ डाल देंगी मसाला मॉर्निंग्स के पेज पर, इंग्लिश में, उर्दू में, तो आप उस पर भी जाके देख सकते हो। ठीक है जी, आज की 3 रेसिपीज़ आपके सामने। बीफ शाश्लिक, बीफ टिक्का शाश्लिक क्या था, तंदूरी बूटी शाश्लिक, और हमने किया ओरिएंटल चिकन सैलड और दिल्ली की अंडे और सब्जियों की बिरयानी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर कल आपसे शेफ़ साइमा के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। अल्लाह हाफ़िज़।